यूपी में जैसे जैसे विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी और विपक्ष में बयानों की तलखी तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार पीडीए की नई परिभाषा ही बता दी है। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब है प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कह दिया कि उनके मुंह में राम है और बगल में छुरी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीस नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग को लेकर चुनाव प्रचार में वार पलटवार चरम पर है। सीएम योगी ने अंबेडकर नगर जिले के कठहरी सीट के लिए प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर लगातार प्रहार किए। सीएम योगी ने कहा कि जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अयोध्या, कन्नौज और लखनऊ की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, देख सपाई बिटिया घबराई। आज की समाजवादी पार्टी क्या हो गई है, देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। एक निषाद बेटी के साथ अयोध्या में ये समाजवादी नेता मुईन खान किस प्रकार की कृत्य कर रहा था, जेल के अंदर उसको इसीलिए भेजा गया। सीएम योगी ने अखिलेश के पीडीए को एक नई परिभाषा दी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों का संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीडीए का मतलब है प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। सीएम योगी ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुंह में राम है और बगल में छुरी है। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ा था, क्योंकि बंटे थे और इसीलिए कटे थे। योगी मुख में राम बगल में छुरी, साधु का ड्रेस डालते हैं और वे बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? अरे बांटने वाले भी आप ही हो, काटने वाले भी आप ही हो और झूठ बोलने वाले आप ही हो। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव को घेरा और कहा कि बबुआ अभी बालिग नहीं है। बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। जिस समय ये सरकार में आए और सरकार के आज के आंकड़े अगर हम देखें तो हर मानक में, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो और चाहे महिला सुरक्षा के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। न केवल रिकॉर्ड तोड़े हैं बल्कि महिला सुरक्षा को लेकर के, उन्हें न्याय को लेकर के इतना महिलाएं या बेटियां कभी मुख्यमंत्री आवास में आत्मदाह करने नहीं आई जितनी इस सरकार में आई। उपचुनाव को लेकर जुबानी जंग जारी है, जहां सीएम योगी सभी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। वहीं एसपी और कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए एएमयू पर बड़ा बयान दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ मुस्लिमों की यूनिवर्सिटी नहीं है,
केंद्र के पैसों से चलने वाली यूनिवर्सिटी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन एएमयू में इन लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? अगर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था दी जाती है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए या एक सामान्य संस्था के रूप में रहनी चाहिए? कल माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पर बहस हो रही थी। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से चलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। वहीं बीजेपी सांसद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक दर्जे की यूनिवर्सिटी बनानी है तो कहीं और पाकिस्तान लाहौर जाकर बनाए, जिसका विरोध करते हुए एएमयू के छात्र नेता जैनिन हसन ने कहा कि ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है, जिसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। मैं कहता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो भी मांग कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक दर्जा होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ पहले राजा महेंद्र प्रताप की जमीन को टोटल वापस करें जो दान में आई थी, जब अल्पसंख्यक की मांग करें। ये यूनिवर्सिटी केंद्र शासित पैसे से चलती है, जो यूनिवर्सिटी केंद्र शासित पैसे से चलती है वो कोई अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती। देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा जो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है और जो जुडिशरी है जो उसने फैसला दिया है और उसको सबने अडॉप्ट किया है, तो ये बात हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को समझनी चाहिए। ये फैसला कोर्ट का है और कोर्ट का फैसला हमने पूर्व में भी अडॉप्ट किया है। योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा कि जनता के टैक्स से कोई संस्थान चल रहा है तो उसको संविधान के सभी नियम मानने चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने एएमयू में दलित और पिछड़े समुदाय के छात्रों को भी आरक्षण देने की मांग की है कि अगर जनता के टैक्स से कोई संस्था चल रही है तो उसको संविधान के नियम सारे मानने चाहिए, जिसमें आरक्षण भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किंतु इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया उसमें एक और बेंच का गठन किया गया है, मुझे आशा है कि इसका निर्णय जल्दी आएगा और ऐसा आएगा जिससे कि सभी वर्गों के छात्रों को, टीचरों को, प्रोफेसरों को इसका लाभ मिलेगा। देश की बात करते हैं और हम ये बात भी करते हैं कि अल्पसंख्यक का शैक्षिक स्तर बढ़े, ये प्राथमिकताओं में है, लेकिन आप दलित को वंचित कर दो, आप पिछड़े को वंचित कर दो और कांग्रेस उसको समर्थन करे, ठीक नहीं है। सभी विश्वविद्यालयों में बाबा साहब भीमराव का, अम्बेडकर जी का जो संविधान वो चलना चाहिए, अलीगढ़ उससे परे नहीं हो सकता।